सो गाइस, ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे, जो हमारी जीमेल अकाउंट होता है उसमें एक ड्राइव का भी ऑप्शन होता है, जो कि उसकी जीमेल आईडी की एक ड्राइव होती है जिसमें हम अपना क्लाउड डाटा सेव कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर हमने कहीं पे अपनी मेल आईडी लॉगिन की हुई है और हम उसे भूल गए हैं कि हमने किस सिस्टम में, किसके फोन में, किस फ्रेंड के फोन में या किसके पास में हमने अपनी मेल आईडी लॉगिन की थी, जहां पे हम भूल चुके हैं कि वो अभी भी लॉगिन है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं और ब्रीफली जानने वाले हैं कि हमारी मेल आईडी कहां कहां पे किस किस डिवाइस में लॉगिन है। तो वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि नीडफुल वीडियोस हमेशा आती रहती है इस चैनल पे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब मैं आ गया हूँ अपने सिस्टम की स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कुछ नहीं है, तो अगर आप चाहें तो अपनी मेल आईडी खोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी खोल लेता हूँ, ठीक है, ये मेल आईडी खुल गई है। अब आपको ये देखना है कि यही मेल आईडी, ये तो मेरी मेल आईडी है, आप अपनी मेल आईडी चेक करेंगे कि आपकी मेल आईडी कितनी जगहों पे लॉगिन है। सिंपली आपको करना क्या है, न्यू टैब खोलनी है, ये अपने फोन में भी आप सेव एज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फोन में भी यही करना होगा कि आपको एक मेल आईडी अपने फोन में खोल लेनी है। देन उसके बाद में आप उसी ब्राउजर में, ये ध्यान रखें कि उस ब्राउजर में आपकी वो मेल आईडी लॉगिन हो, तब ही ये उसमें वर्क करेगी। अपनी मेल आईडी अपने ब्राउजर में खोल के रखनी है आपको, जैसे आप क्रोम यूज करते हैं या किसी भी फोन का ब्राउजर यूज करते हैं या ओपरा यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा है https ये फिर /this, मतलब जो भी है, मैंने यहाँ पे आपको लिंक दे दिया है, ठीक है, ये लिंक बनाया मैंने। एंड देन ये ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसका तो मैं आपका ख्याल रखता ही हूँ, ये तो आप जानती हैं। एंड सिंपली एंटर करेंगे आप, सो आप देख सकते हैं ये जो मेरी मेल आईडी है इन डिवाइसेस में इस समय लॉगिन है। सो मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं ये विंडोज में यहाँ पे आपको ये एक साइन दिख रहा है, चेक राइट का साइन दिख रहा होगा, दिस डिवाइस, ठीक है, ये इस समय इस डिवाइस में लॉगिन है, मेरी आईडी एक्टिव है, ठीक है, मतलब मेरी मेल आईडी एक्टिव है, ओके। देन यहाँ पे ये मेरी दूसरी डिवाइस है, एंड ये फिर मैंने किसी और दूसरे लैपटॉप में जो है इसमें लॉगिन किया था 15 अप्रैल को, ठीक है। देन आप देख सकते हैं ये मेरी सेकंड डिवाइस है, एंड फिर ये मेरी सेम डिवाइस है। सो ये डिवाइसेस हैं जो मैंने यहाँ पे जो है लॉगिन किए हुए थे, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि मैं इन डिवाइसेस से लॉग आउट कर दूं, एक साथ तो ये पॉसिबल है नहीं, ठीक है, एक साथ तो पॉसिबल तब है जब आपको अपना पासवर्ड फॉरगेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये तब पॉसिबल है। अदरवाइज आप, जैसे मैं Redmi Note 8 से अपनी जो डिवाइस में से इसे हटाना चाहता हूँ, सिंपली थ्री डॉट्स पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे साइन आउट कर देना है। सिंपली यहाँ पे आप अपना फ़ोन भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये आपकी डिवाइस को, डिवाइस से कनेक्ट रहता है ना, तो आप अपना इससे फ़ोन भी फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज हमें सिंपली यहाँ से साइन आउट करना है, तो मैं साइन आउट कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं आपसे पूछेगा आर यू वॉन्ट टू साइन आउट, सो मैं सिंपली यहाँ पे यस करूँगा साइन आउट। सो जो हमारे एसेस थे वो सारे यहाँ से बंद कर दिए जाएंगे, मतलब मैं इसमें फिर इस डिवाइस में कुछ नहीं कर पाऊँगा इस मेल आईडी के थ्रू, तो मैं सिंपली ओके कर दूँगा। सो गाइस, यू कैन सी यहाँ पे जो मेरी डिवाइस थी वो रिमूव हो गई है यहाँ से, आप देख सकते हैं ये अब यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं अगर चाहूँ तो फिर से यहाँ पे लॉगिन कर सकता हूँ, अदरवाइज इसमें जो मेरी जो भी मेरा डाटा है, लाइक इसमें मेरा कैलेंडर है, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरी जो है जो क्लाउड डाटा है वो, और भी बहुत सारी चीज़ें से इसमें होती हैं। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं ये बहुत सारे फीचर्स देती है मेल आईडी हमारी जीमेल की, क्योंकि गूगल की होती है। सो ये काम आप अपनी डिवाइस में कर सकते हैं, सो ये बहुत ईजी था। और हाँ, ये बात का आपको ध्यान जरूर रखना है, सबसे पहले आपको अपनी मेल आईडी लॉगिन कर लेनी है, तभी आप ये काम कर सकते हैं। वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये आपको लिंक मिल ही जाएगा, जो आप ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। सो गाइस, आज आपने सीखा कि कैसे आप अपनी मेल आईडी को चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ हमारी मेल आईडी लॉगिन है, एट दिस टाइम किस किस डिवाइस में वो एक्टिव है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे यार कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको इंस्टेंट देने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं अगर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।